since जब से trailer आया, people has got emotionally touched, वो लोग बहुत relate कर पाए हैं, people have loved it. Did you came across to any person जहाँ पे कहा कि आपके movie आने की वजह से, आपके trailer आने की वजह से, I have started supporting my wife, या wife ने vice versa कहा कि मैं अपने husband को support कर रही हूँ? Have you came across to any such person? मेरे actually एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो काम करते हैं ये industry में, उनका भी नाम वरुण ही है, शायद कुछ लोग जानते हैं उनको. तो वो वरुण शर्मा की नहीं बात करो, उसकी शादी नहीं हुई है, वरुण गुप्ता नाम है उनका. तो उन्होंने जब ट्रेलर देखा था, क्योंकि उनकी शादी हुई है, सो ही रियली रिलेटेड टू द वे कि वट एवर स्ट्रगल्स ही हैड टू डू, जब उनको स्ट्रगल करना पड़ा था एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, हाउ हिज वाइफ स्टूड बाय हिम, और जो सपोर्ट सिस्टम थी वो उनके जिंदगी में, दुनिया में. एंड सेम वे जब उनकी बीवी ने जब ये ट्रेलर देखा, तो उन्होंने बहुत रिएक्ट किया और बोला कि उन्हें बहुत पसंद आया है. एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा रिएक्शन मिला है औरतों से इस फिल्म में. पहली बार मेरे करियर में आई हैव गॉट सच अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम द विमेन ऑडियंस. इसके पहले ऑब्वियसली बच्चे या दे वर बॉयज एंड ऑल, बट पहली बार विमेन हैव रिएक्टेड सो स्ट्रॉन्गली टू अ फिल्म दैट आई हैव डन, व्हिच फील्स वेरी गुड. वरुण अनुष्का यहाँ अनुगाना गुजरात मित्र से, अभी हमारे बड़ौदा के ही बहन यहाँ पे आए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ होता है, उनके जो दाम है वो उन्हें नहीं मिलते हैं. आप फेयर ट्रेड के साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह का नया आपने वहाँ पे जाना, वो कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बिगिनिंग में कहा था कि जब हम लोग एक्टर्स अलग अलग फिल्म्स करते हैं, उसमें हमको अलग किरदार मिलते हैं. आजकल की कहानी ऐसी होती हैं कि आपको बस ऊपर लेवल पे नहीं काम करना होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा डीपली समझना पड़ता है कि आप कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हैं, वो दुनिया क्या है. द वर्ल्ड ऑफ दिस फिल्म वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म. इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ कमर्शियल फिल्म, बट इट ऑल्सो हैज़ दैट वेरी रियल अर्बन, वेरी रियल रूरल वैल्यू इन द मिड्स ऑफ इट. इट्स अ हार्टलैंड की फिल्म. तो हमारे लिए जब हम लोग चंदेरी गए थे, वरुण मैं बहुत पहले चले गए थे एक्चुअली वहाँ पे, आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ता पहले हम लोग वहाँ पे थे. एंड हम लोग ऐसे जगह पे थे जहाँ पे हैंडलूम्स, हैंड जो वीविंग होती है चंदेरी सिल्क, जिसे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो वहाँ का मोस्टली वहाँ का कारोबार वही है, लोगों का वहाँ पे वही आमदनी उसी से आती है. सो वी इंटरेक्टेड विद देम डायरेक्टली एंड दे एक्सप्लेन टू अस हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर समटाइम्स फॉर देम. येस ऑफकोर्स नाउ डेज दे हैव बेटर फेसिलिटीज़ एंड बिकॉज ऑफ यू नो इंटरनेट एंड ऑल ऑफ दैट दे आर एबल टू रीच लॉट मोर पीपल, बट दे स्टिल एक्सप्रेस टू अस हाउ दे स्ट्रगल समटाइम्स बिकॉज ऑफ द मिडल मैन दैट गेट इन्वॉल्व, यू नो. सो आई थिंक वॉट हैज़ हैपन, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इज even something that we understood, is because of the presence of internet and having access to so many different people, things have become more transparent. But of course you have organizations like Fair Trade India who are ensuring that the person who's spending so many days in making one product and itna mehnat ek cheez hoti hai aur itna aap apna samay bhi us cheez mein bita rahe hain aur us samay jo aapne usme bitaya hai वो समय में आपको आपका खर्चा भी आपको देखना है. यू नो, जैसे अभी मेरे को किसी ने बताया कि आई थिंक उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चे को साइड में छोड़ के काम पे लग जाते हैं 4-5 दिन, और फिर जब वो अपना सामान बेचने जाते हैं तो जो कंज्यूमर होता है, जो हम लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती हैं, बट इट्स गुड दैट इस प्लेटफॉर्म की वजह से अवेयरनेस क्रिएट हो रही है. क्योंकि जब वो कंज्यूमर जाता है, उनके साथ ज़्यादा एक्स्ट्रा बार्गेनिंग करता है. अभी आप जाके किसी बड़ी दुकान में तो बार्गेनिंग करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ पे MRP लिखा हुआ होगा. बट ऐसी जगह पे जाएंगे और आप बोलेंगे कि अरे थोड़ा कम करो ना, थोड़ा कम करो, अरे नहीं नहीं. वैसे भी इंडियंस तो अपने आप को बहुत प्राउडली बार्गेनर समझते हैं, बट समवेयर उनको बहुत वो चीज़ों से इफेक्ट होता है. तो हम लोग इस चीज़ों को समझे हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग पैदा हो गए थे, हमको सब कुछ पता था, हम भी इसी दुनिया में जी रहे हैं, बट हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है जाके. एंड दीज पीपल, इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है आवाज़ उठाने का, ये जो बात उनको कहनी है, उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं उठाना. एक्चुअली बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझाना चाहता हूँ, तो 2018 में एक चीज़ है सच्चाई, ऑनेस्टी. ये चीज़ बहुत डाइल्यूट होने लगी है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं. कुछ समय से ऐसा चलते बहुत समय से ऐसा चल रहा है, मतलब हम वी ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, कि सच्ची आवाज़ नहीं पहुँचती है लोगों तक, या जो आप सच्ची बात करना चाहते हैं वो इधर उधर राइट लेफ्ट ये सब करके कोई दूसरा ही वर्जन आ जाता है लोगों के पास. You can't do that. अभी ये ठहरे आर्टिस्ट, उनको बस अपने कला दिखाना है, जिसके लिए उनको अपना दाम चाहिए, जो काम वो कर रहे हैं बस उनको वो चाहिए. वो इतना डाइल्यूट हो जाता है जब तक शहर में आके बिकता है, कि उनको
वो दाम मिलता ही नहीं है. मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी, चंदेरी में भी जब हम लोग वहाँ पे थे तो जो जिन 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 व्यूवर्स से मैं बात कर रही थी, तो मैं सबका उनका उनका नंबर मैं सारे यूनिट पे सबको दे रही थी कि इनसे इनसे आप खरीद लेना, इनसे खरीद लेना, डायरेक्टली खरीद लेना. तो कुछ लोगों ने क्या बोला, अरे मैं अरे ये बहुत उसने महंगा दिया, मैं उसको कम में करूँगा. सो आई रिमेंबर टेलिंग देम, यार ऐसे मत करो यार, मतलब तुम लोग दुकान में जाओगे तो खरीदोगे, कोई नहीं बोलेगा अरे वो बड़ी बड़ी दुकान में कि इसको थोड़ा कम करके दो, बट इन लोगों के साथ तुम बोल रहे हो कम करो, ऐसे वो जितना मांग रहे दे दो, वो उनको पता है मैंने बात करी है, दे नॉट चार्जिंग यू एक्स्ट्रा, दे ऑल्सो वॉन्ट अस टू गो बैक इन एनी वे सो चीप, एंड यू बाय दो सेम थिंग समवेयर एल्स, इट्स सो एक्सपेंसिव, सो व्हाई आर यू लाइक गोइंग देयर एंड देन स्टिल बीइंग लाइक अरे कम करो कम करो. सो वो थोड़ा सा हम सबको यू नो सोचना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट सच अ बिग डिफरेंस, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग काफ़ी प्रिविलेज लोग हैं, बट उन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. सो वी हैव टू बी लाइक सेंसिटिव टू दैट.